नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज हम एक ऐसी शख्सियत के इस मज़ार पे मौजूद हैं जिसके ज़िक्र के बग़ैर शायद उर्दू अदब का कोई भी तस्करा पूरा नहीं हो सकता। ये वो शायर है जिसने अपने बारे में कहा था कि वो दिल्ली में गालिब के नाम से बदनाम है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं मिर्ज़ा गालिब की सालगिरह के मौके पर, उनकी मज़ार पर। और मिर्ज़ा गालिब 19वीं सदी के उन चंद सबसे महान शायरों में से हैं जिन्होंने उर्दू को नए पंख और नए आसमान दिया। कोई भी गालिब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप इन्हें हर जगह कोट कर सकते हैं। ज़िंदगी के हर नर्म और नुकीले एहसास पर कोई भी ऐसा मौका नहीं है जहां पर आप गालिब को कोट नहीं कर सकते। गालिब के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अकील सर। गालिब एकेडमी से ताल्लुक़ है। गालिब एकेडमी से अकील अहमद हमारे साथ हैं। तो अकील सर, आज गालिब की सालगिरह है। इस मौके पर गालिब के बारे में हमारी जो आज की जनरेशन है ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, क्योंकि उर्दू का ताल्लुक़ भी तमाम सिलेबस के सिलसिले से नहीं रहा और कुछ माशरे की कुछ ज़रूरतें भी वैसे बदली हैं। तो इस बदले हुए परिवेश में आज के हिसाब से गालिब कितने रेलिवेंट हैं, कितने प्रासंगिक हैं? मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। गालिब जो है वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी शायरी जो है पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं। अगर हम 5 शायरों का नाम लेंगे तो उनमें एक गालिब का भी नाम होगा दुनिया के 5 शायरों में। तो इसलिए गालिब सिर्फ जो है हिंदुस्तान का शायर नहीं है, पूरी दुनिया का शायर है, उर्दू का शायर नहीं है, तमाम जितनी ज़बानें हैं हिंदुस्तान की उसका शायर है। और उसके जो तर्जुमे हैं वो रशन में, फ्रेंच में, जर्मन में, सारी ज़बानों में जितनी मेजर लैंग्वेजेस हैं दुनिया की उन सब में हुई है और सब पढ़ते हैं, सब के यहाँ रिसर्च हो रहा है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि गालिब को लोग जानते नहीं। अब इसकी एक मिसाल और भी है कि 1955 में मिर्ज़ा गालिब पे फिल्म बनी थी। तो पढ़ने से जो ताल्लुक़ है वो तो है ही है, वो फिल्म के ज़रिए गालिब जो है बहुत पॉपुलर हुए। उसके बाद फिर सीरियल्स बने, उसके बाद जो है वो गालिब पर पेंटिंग्स बनाई गई, बड़े बड़े फनकारों ने पेंटिंग्स बनाई। उनमें इलाही बख्श साहब भी हैं, सतीश गुजराल हैं, I K गुजराल के भाई थे वो। तो इन लोगों ने जो है वो गालिब से जिसका नाम जुड़ा वो बड़ा हो गया। गालिब तो बड़ा ही है, उसकी जो है बिल्कुल सही कहा कि जिससे गालिब का नाम जुड़ा वो बड़ा हो गया। लेकिन जैसे आपने बताया कि 1954 में फिल्म बनी मिर्ज़ा गालिब, जिसमें भारत भूषण ने किरदार निभाया था, और 1988 में फिर एक सीरियल बना था, टीवी सीरियल नसीरुद्दीन शाह, जिसमें उन्होंने किरदार निभाया था। मुझे लगता है कि ये 2 ऐसे सीरियल्स थे जिनकी रहनुमाई से हम गालिब को देख पाने में एक हुआ। इससे जो है ना, इस गालिब को अवामी सतह पर लोगों ने जाना। जो पढ़े लिखे थे वो तो पढ़ लिख के ही समझा उन्होंने गालिब की शायरी को, उर्दू शायरी। हालांकि वो कहते थे गालिब खुद कि मेरी उर्दू शायरी कुछ भी नहीं है, बेरंग है। हमें अगर समझना है तो हमारी फारसी शायरी को समझिए। फारसी दीवान जो है वो रंगारंग। उन्होंने ज़्यादा अपनी फारसी दीवान में लिखा। लेकिन गालिब जो गालिब हुए, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुए, जो बैनुल अक़वामी उनकी हैसियत है आज, वो उर्दू दीवान की वजह से है। अच्छा। उर्दू दीवान को उन्होंने खुद एडिट किया था। बाकी उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल दी थी। और ये 1800 शेर उसमें 1800 जिसकी वजह से हम गालिब को गालिब जानते हैं। और इनके इस दीवान में एक जब हम बात करते हैं तो एक जिक्र आता है अल्ताफ हुसैन हाली साहब का। उनकी इसमें क्या अहमियत है? ये अहमियत है जैसे गालिब, अभी आपने कहा ना, गालिब जो है मशहूर कैसे हुए, लोगों ने जाना कैसे। तो अगर इस सिलसिले में कहा जाए पढ़े लिखों में कि गालिब को इंट्रोड्यूस करने वाले, मुतारिफ कराने वाले अल्ताफ हुसैन हाली हैं। जी 1897 में गालिब की पैदाइश के 100 साल पे उन्होंने एक किताब लिखी यादगार गालिब। यादगार गालिब जो बायोग्राफी है गालिब की, और उसके बाद जितनी बायोग्राफी लिखी गई उसके बगैर जो है वो कोई लिख ही नहीं सकता था। तो वो सब में जो है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का उनके शागिर्द भी थे। हाँ, उनके शागिर्द भी थे और काफ़ी उनसे जूनियर थे। हाँ, शागिर्द बाकायदा तो नहीं थे। हाँ। लेकिन ये कि हाँ, हैसियत उनकी शागिर्द की थी। हाँ, जी जी। अच्छा, गालिब के सिलसिले से आप जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं वो जानना चाहते होंगे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ आप बताएं तो। देखिए, गालिब की ज़ाती ज़िंदगी जो है वो एक जैसे जो हो सकती है ज़िंदगी, दुख भी है, गम भी है, खुशी भी है, गम भी है, और दुख भी है, सुख भी है। ये सब सारी चीज़ें, ये दो ही चीज़ों से, दो ही कैफियत से दुनिया में आदमी जूझता है। जी। तो खुशी तो बहरहाल खुशी है। जी, जी। लेकिन गम जो है, जो गम से आदमी बन जाता है, उसकी ज़िंदगी जो है वो इस तरह से निखर जाती है कि अपने आप को जो है दूसरे के सामने पेश करता है। अच्छा। जैसे अब गालिब की ज़िंदगी को हम देखें तो वो 17 दिसंबर 1797 ईस्वी को पैदा हुए आगरे में। और बचपन में उनके वालिद जो थे महाराजा अलवर के यहाँ थे सिपाही। अच्छा। तो वहाँ मारे गए। तो उसके बाद फिर उनके चचा का भी, नसरुल्ला बेग का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद नाना का भी इंतकाल हो गया। फिर जो है 13 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है ख़ानदान लोहारू में, नवाब लोहारू के यहाँ। अब ये एक सवाल ये भी आता है कि गालिब रहते थे बल्लीमारान में, तो शादी होने के बाद 13 साल की उम्र में गालिब दिल्ली आ गए। उनके जो ससुर थे इलाही बख्श मारूफ, वो भी शायर थे, तो वो दिल्ली की महफिलों में उनको ले जाया करते थे, जहाँ तो उनकी वजह से यहाँ मुतारिफ हुए। अब ये गालिब की जहानत है, गालिब जो है आम आदमी नहीं है। अच्छा। गालिब जो है बहुत ही जहीन आदमी है और जीनियस जिसे कहा जाए। तो उन्होंने बहुत सारी जो है चीज़ें अच्छी की, जैसे पैदाइश के बारे में ये कोई हतमी नहीं कहा जा सकता, 27 दिसंबर को हुई। उन्होंने जो अपने खतूत में लिखा उससे ये, हाँ, वो उससे भी तो वो तारीखें अगर देखिए तो मेल नहीं खाती। जैसे उन्होंने 12 रजब 1212 हिजरी कुछ इस तरह से लिखा, तो अगर उसे कन्वर्ट किया जाए इंग्लिश में तो नहीं होता। तो उन्होंने कुछ तहकीक के लिए हमारे लिए छोड़ दिया कि हम कुछ करते रहे। जी जी। तो जिस सिलसिले से आपने ये बताया, जैसे उनकी तारीख, उनकी जो सालगिरह की तारीख है उसे उनके खतूत से निकाल कर समझा गया। तो इसी तरह से, लेकिन अब इस तारीख को उनकी सालगिरह के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया गया है। इसी तरह से जैसे तमाम ऐसे प्रसंग हैं जो अलग अलग किताबों में, कहानियों में मिलते हैं, जैसे वो आम वाला एक जो प्रसंग है कि गधे आम नहीं खाते, या और दूसरे जो प्रसंग हैं कि उनसे शराब छोड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने लिखा कि मेरी तौबा, वो जो दूसरा वाला प्रसंग है। इस तरह के प्रसंग वो हुए या नहीं हुए ये तो शायद नहीं जानते लोग, लेकिन अब उसे इतनी बार पढ़ा और कहा गया है कि उसे सच मान लिया गया। मैं एक और गालिब जो है बहुत हाजिर जवाब, जी जी जी, जो उनसे सवाल पूछा, जैसे अंग्रेज़ों ने पूछा कि मुसलमान हूँ, तो गालिब ने कहा आधा। तो क्यों? शराब पीता हूँ जो मुसलमान नहीं पीता, या वो गोश्त नहीं खाता, सूअर का गोश्त नहीं खाता, तो इसलिए आधा हूँ। तो ये इस तरह की बातें, जैसे गधे वाला है तो एक साहब ने कहा कि गधे आम नहीं खाते, तो गालिब ने कहा गधे ही आम नहीं खाते। जी जी। तो इसमें जो है वो पिन पॉइंट हो गया कि जी जी जी। जो अपोज कर रहा है उसी पे वो बात चली गई। गालिब की हाजिर जवाबी के कई किस्से अलग अलग किताबों में मिलते हैं और उन्हें पढ़कर बहुत ही, जैसे एक किस्सा हम लोग अपनी किताबों में पढ़ा करते थे कि गालिब की जो खुदा पर उनका जो यकीन था उसको लेके तमाम अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी तहकीक निकाली है। जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि गालिब पूरी तरह से एथीस्ट थे, नास्तिक थे, कुछ लोगों का मानना है कि वो एग्नोस्टिक थे, कुछ का कहना है कि वो मज़ारों पर जाते थे। इस पर भी कोई एक आम राय नहीं है, आम राय तो नहीं सकती, लेकिन शायरी से कुछ बहुत ज़्यादा नतीजा नहीं निकाला जा सकता। गालिब ने खुद अपने आप को मोहित कहा है, ये एक मतलब खुदा पर यकीन रखने वाला जी, तो उनकी शायरी भी देखिए तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो शायरी है उस तरह से आप मतलब निकालते हैं। लेकिन हमें उनकी ज़िंदगी देखनी चाहिए, जैसे आप बात कर रहे थे ना कि हम गालिब की ज़िंदगी में क्या चीज़ थी जिससे उनकी जो शायरी में वो रिफ्लेक्शन उसका होता है, और आज क्यों हमें वो अपील करती है, आज हर आदमी जो है गालिब को क्यों पसंद करता है। तो वो अभी बात ये हुई कि गालिब की शादी यहाँ पे हो गई, शादी के बाद उनके जो बच्चे हुए वो सब बचपन में ख़त्म हो गए, इंतकाल हो गया उनका। फिर उन्होंने गोद लिया अपनी बीबी के भाई के बेटों को, जैनुल आबिदीन आरिफ, जिनका मज़ार यहाँ पे मौजूद है और उनके ससुर का भी है, तो वो भी उनका भी इंतकाल हो गया, उनके बच्चों को उन्होंने परवरिश की। तो ये जो गम है ये उनकी शायरी में वो दिखाई देता है। वो उनका गम नहीं है, बहुत आती है मगर नहीं आती। हाँ, वो उन्हीं का गम नहीं है, वो हमारा भी है, वो हमारा भी है, उस जमाने का भी है, आज के जमाने का भी है, और आने वाले जमाने का भी रहेगा। इसलिए गालिब की शायरी सिर्फ एक जमाने के नहीं है, जिस जमाने में लिखी जा रही थी उस जमाने की तो वही है, उससे पहले की तमाम जमानों के लिए, हाँ तमाम जमानों के लिए है। तो यही वजह है कि गालिब आज जो है। एक और छोटा सा आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको भी जल्दी है क्योंकि कोई उर्दू एकेडमी में आज कोई ख़ास प्रोग्राम भी रखा गया है गालिब के लिए जहाँ सर रहेंगे, तो एक छोटा सा ये इस कब्रिस्तान के सिलसिले से इसका, क्योंकि मैंने ये सुना है कि ये लोहारू ख़ानदान का फैमिली ग्रेवयार्ड है और यहाँ पर उनकी और तमाम लोगों की कब्रगाह है, उसके सिलसिले से सब कुछ बताया। हाँ ये है ना कि सवाल ये उठता है कि गालिब रहते थे बल्लीमारान में, यहाँ दफनाए क्यों गए? तो ये उस ज़माने में ये रिवायत थी, जो बड़े लोग हुआ करते थे वो अपने प्राइवेट कब्रिस्तान में दफनाए जाते थे। अच्छा। तो गालिब का चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं था, वो जो कुछ था उनका आगरे में था, मकान आगरे में था। तो गालिब की खुद जो है ख्वाहिश थी कि जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे जो है अपने ससुराल के कब्रिस्तान में दफनाया जाए। अच्छा। यानी उसमें जो है जनरल कब्रिस्तान में न दफनाया जाए, इसलिए गालिब को यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया में जो ख़ानदान लोहारू का कब्रिस्तान है, जहाँ उनके बीवी की भी कब्र है, उनके ससुर की भी कब्र है, उनके भांजे की भी कब्र है, जैनुल आबिदीन आरिफ की भी कब्र है। तो ये पूरा ख़ानदान है, जिसे ख़ानदान लोहारू कहते हैं, जहाँ गालिब की शादी हुई थी, वो उनका कब्रिस्तान है। और आज जो है गालिब कब्र इसीलिए महफूज है। जी। ज़ौक़ की कब्र को देखिए तो पता है, बहुत सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला गालिब के लिए भी, ज़ौक़ के लिए भी, कि इनकी कब्र को, इनके जो कब्रिस्तान है उनसे ठीक किया जाए। तो उनका तो पता ही नहीं था, ज़ौक़ का जो बहादुर शाह ज़फर के उस्ताद थे गालिब से पहले जी, उनके इंतकाल के बाद गालिब हुए। अच्छा। तो उसको फिर किसी तरह किताबों से लोकेट किया गया और वहाँ पे चबूतरा बनाया गया। तो आज गालिब जो है, गालिब को हर आदमी जानता है, वही मुद्दा कि गालिब मर गया पर याद आता है। हर साल प्रोग्राम होता है उनके सिलसिले में, और गालिब पर जितनी किताबें लिखी गई हैं वो किसी और शायर पे नहीं लिखी गई। बेशक ये गालिब का जो है, गालिब के कलाम का ही है सब मुआजजा। चलिए अकील साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इस मज़ार इस मौके पर हम लोग जहाँ पे मौजूद हैं, आप एक हम चाहेंगे कि एक बार आपको इस पूरी मज़ार के इस पूरे माहौल को हम एक बार यहाँ पर आपको दिखाएं। ये इस तरफ यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर उनका सबसे खूबसूरत शेर जो माना जाता है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। इसके आगे का शेर है कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। एक बार हम आपको इस पूरे सहन में, इस पूरे परिसर में दिखाना चाहेंगे वो तमाम कब्रें जो उनकी और उनके बेगम और उनके ससुराल के सिलसिले से हैं। 3600 स्क्वायर फीट में बना हुआ है ये पूरा परिसर। ये इनका अपना, जैसा भी अकील साहब ने बताया कि ये उनका अपना फैमिली ग्रेवयार्ड है, ख़ानदानी कब्रिस्तान है। इसमें कब्रें हैं, ये मिर्ज़ा गालिब की कब्र आपने देखी। तमाम कब्रें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारी मिर्ज़ा गालिब के ससुराल की और उनकी इलाही बख्श जो उनके ससुर साहब थे, ये उनकी कब्र है। और वो छोटी सी कब्र जो आप देख रहे हैं उस तरफ, वो गालिब के बच्चों की कब्र भी यहीं पर है, जो बहुत जिनका एक के बाद एक इंतकाल हुआ और उसका गम गालिब की शायरी में हमेशा दिखाई दिया। एक शेर है कि जीते हैं मौत की आरजू में, मौत आती है मगर नहीं आती। ये कब्र आप देख सकते हैं। तो आज इस सालगिरह के मौके पर हमने मिर्ज़ा गालिब को याद करने की कोशिश की, एक छोटी सी कोशिश थी हमारी ये, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आप में से बहुत सारे लोग जो दिल्ली से बाहर रहते हैं वो यहाँ पे आना चाहते हैं, लेकिन अक्सर वक्त की कमी या जानकारी नहीं हो पाती या कभी फुर्सत नहीं रहती और लोग नहीं आ पाते यहाँ पर। तो उनके लिए एक छोटी सी कोशिश थी कि वो इस रूबरू इस गालिब की बाज़ार को देख सकें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे और आपने इस पूरी जानकारी का लुत्फ़ लिया। और चलते चलते मैं गालिब का एक शेर याद आ रहा है मुझे कि हाँ वो नहीं खुदा परस्त जाओ वो बेवफा सही, हाँ वो नहीं खुदा परस्त जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अज़ीज़ इनकी गली में आए क्यों, गालिब ख़स्ता के बग़ैर कौन से काम बंद हैं, गालिब ख़स्ता के बग़ैर कौन से काम बंद हैं, रोइए ज़ार ज़ार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। मैं जमशेद सिद्दीकी इसी शेर के साथ आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया।